सो हेलो गाइस, दिस इज अंकुर एंड वेलकम टू ऑडियो चैनल धनवाद सर। सो गाइस, आज के डेट में बनाने वाले एक थर्मल इलेक्ट्रिक जनरेटर का वर्किंग मॉडल। ये साइंस का बहुत ही आसान सा और बहुत ही शानदार सा प्रोजेक्ट है, जिसका यूज़ आप अपने साइंस एग्जीबिशन या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम में कर सकते हैं। और सबसे खास बात, इस प्रोजेक्ट के साथ मैं एक प्रॉपर रिपोर्ट फाइल भी देने वाला हूं, जिसका डिटेल आपको वीडियो के लास्ट मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक देखना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसको कैसे बनाना है। सो गाइस, चलिए जान लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक प्लाईवुड का छोटा सा टुकड़ा, 5x6 सेंटीमीटर का एल्युमिनियम का कुछ इस तरीके का प्लेट जिसमें कि बीच में दो होल होना चाहिए। उसके बाद चाहिए एक पेल्टियर मॉड्यूल, ये ऑनलाइन आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपको चाहिए थोड़ा सा थर्मल पेस्ट, कुछ इस तरीके का कैंडल, छोटा सा डीसी मोटर और कुछ इस तरीके का स्टील या फिर एल्युमिनियम का बॉल। तो सबसे पहले आपको एल्युमिनियम का प्लेट लेना है और कुछ इस तरीके का दो कील लेना है और इसको प्लेट में कुछ इस तरीके से फिक्स कर देना है। अब इस पूरे सिस्टम को प्लाईवुड में फिक्स करना है। फिट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये हल्का सा लूज है तो इसको फिक्स करने के लिए हम फेविक्विक का यूज करेंगे। अब आपको पेल्टियर मॉड्यूल लेना है और उसका लिखा हुआ साइड ऊपर की ओर रखना है और इस सादे साइड को एल्युमिनियम प्लेट में कुछ इस तरीके से फिक्स करना है। याद रहे, आपको लिखा हुआ पार्ट ऊपर की ओर रखना है, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका मॉडल वर्क नहीं करेगा। पेल्टियर मॉड्यूल को एल्युमिनियम प्लेट से चिपकाने के लिए हम थर्मल पेस्ट का यूज़ करेंगे। इसको यूज़ करने का एक बेनिफिट होता है कि जो हीट है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही यूनिफॉर्मली एल्युमिनियम प्लेट से पेल्टियर मॉड्यूल में ट्रांसफ़र होता है। अब ऐसे ही थर्मल पेस्ट का यूज़ करके इस छोटे से कंटेनर को भी पेल्टियर के लिखे हुए पार्ट पे चिपकाना है। कुछ इस तरीके से। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको मोटर फिक्स करना है। मोटर को फिक्स करने के बाद अब आपको कनेक्शन करना है, तो आपको दोनों ब्लैक और दोनों रेड वायर को आपस में कनेक्ट कर देना है। अब ये मॉडल बिल्कुल रेडी है टेस्ट करने के लिए। मॉडल को टेस्ट करने से पहले हमको कुछ चीज़ों को समझना होगा। तो पेल्टियर के नीचे वाले साइड को हमको बहुत ज़्यादा गर्म करना होता है और ऊपर वाले साइड को ठंडा रखना होता है। तो नीचे वाले साइड को गर्म करने के लिए हम आग का यूज़ करेंगे और ऊपर वाले साइड को ठंडा रखने के लिए हम कंटेनर में कुछ आइस क्यूब डालेंगे। तो यहाँ हमने दो आइस क्यूब का यूज़ किया है, आप इसके जगह पर ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कैंडल लेंगे और उसमें आग जला लेंगे और आग जलाने के बाद जैसे ही हम उसको एल्युमिनियम प्लेट के नीचे रखेंगे, पेल्टियर का नीचे वाला पार्ट गर्म होने लगेगा और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगा है और हमारा मोटर बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा है। अब एल्युमिनियम प्लेट गर्म होने के बाद यदि आप कैंडल को हटा भी लेते हैं, फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता रहेगा जब तक कि एल्युमिनियम प्लेट गर्म रहेगा। अब जैसे जैसे एल्युमिनियम प्लेट ठंडा होता जाएगा, वैसे वैसे जो मोटर का मूविंग स्पीड है वो धीरे धीरे डाउन होता जाएगा। देखिए, बहुत ही डाउन हो गया है। अब फिर से हम कैंडल को उसके नीचे रखेंगे और फिर से हम देखेंगे कि ये मोटर बहुत ही तेज़ से घूमने लगा है। सो गाइस, चलिए बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट पीडीएफ के बारे में। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के साथ आपको दो टाइप्स का पीडीएफ मिलेगा, एक ये जिसमें कि बीच में वाटरमार्क है और दूसरा ये जिसमें कि कोई भी वाटरमार्क नहीं है। तो ये वाटरमार्क वाला प्रोजेक्ट तो बिल्कुल फ्री है, आपको जस्ट क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको बिना वाटरमार्क का प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, जिसका डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पेड पीडीएफ के साथ आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आपका नाम, स्कूल का नाम, क्लास और बाकी सारा डिटेल ऑलरेडी अपडेट करके दिया जाएगा। सो यदि आप पेड पीडीएफ में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे को ईमेल या मेरे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दोनों आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। थैंक यू। सो गाइस, आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।